हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अकबरपुर फैजाबाद मार्ग पर शुक्रवार शाम रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जिस समय की ग्राम प्रधान घायल हो गया। उसे ट्रामा सेंटर और भर्ती कराया गया। उधर अन्य मार्ग दुर्घटनाओं और तीन और लोग घायल हो गए। सबको जिला अस्पताल और भर्ती कराया गया। यहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार अहिरौली थाना अंतर्गत तिवारीपुर निवासी आलोक तिवारी 26 पुत्र ब्रजेश तिवारी उर्फ चंडूली तिवारीपुर का ग्राम प्रधान है। शुक्रवार समय शाम गांव के ही शुभम मिश्रा 22 पुत्र कर्मराज के साथ बाइक से गोसाईगंज जा रहा था। बाइक आलोक चला रहा था। बताया जाता है कि जिस समय वह दोनों अकबरपुर फैजाबाद मुख्य मार्ग स्थित गोपालपुर चौराहा के निकट पहुंचे, तभी अकबरपुर से फैजाबाद की तरफ जा रही परिवहन निगम की बस ने टक्कर मार दी। इससे दोनों को गंभीर चोटें आई। आनन फानन और दोनों को पहले CHC कटहरी फिर जिला अस्पताल ले जाया गया। यहाँ हालत गंभीर देख दोनों को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। रास्ते और ही शुभम ने दम तोड़ दिया, जिस समय की आलोक का लखनऊ और इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे और ले लिया और बाद और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिवारीजनों और कोहराम मचा हुआ है। उधर अन्य मार्ग दुर्घटनाओं और तीन और लोग घायल हो गए। जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार इब्राहिमपुर थाना अंतर्गत केदारनगर निवासी ब्रजेश शुक्रवार समय शाम ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जिस समय वह बाइक से टांडा से घर जा रहा था। गांव के निकट हुए हादसे के बाद उसे जिला अस्पताल और भर्ती कराया गया। बसखारी थाना अंतर्गत मसड़ा मोहनपुर गांव निवासी लालजी शनिवार सुबह बाइक से बसखारी जाते समय बाजार के निकट पिकअप की टक्कर से घायल हो गया। उसे CHC बसखारी ले जाया गया। यहां हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल और भर्ती कराना पड़ा। सम्मनपुर थाना अंतर्गत सम्मनपुर निवासी बुजुर्ग ब्राह्मण रायन शनिवार सुबह उस समय बाइक की टक्कर से घायल हो गए, जिस समय वह घर के निकट सड़क पार कर रहे थे। गंभीर अवस्था और उसे जिला अस्पताल और भर्ती कराया गया। यहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बाइक सवार घायलों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।